हेलो दोस्तों, अंतिम महीने में यूरिन करते समय आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यूरिन देखकर आप पता कर सकते हैं कि डिलीवरी मात्र 2 से 3 घंटे में हो जाएगी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ कि यूरिन करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि ये लक्षण होंगे शिशु डिलीवरी के, ताकि आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच पाएं, अपने डॉक्टर से संपर्क कर पाएं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, एक से एक जानकारी आपको पूरे गर्भावस्था के दौरान दी जाएगी। दोस्तों, गर्भावस्था के अंतिम महीने में महिला को अपना खास केयर करनी पड़ती है, क्योंकि इस समय जब गर्भ में शिशु का विकास पूरा हो जाता है, महिला का पेट काफी बाहर आ जाता है और वजन भी बढ़ जाता है, जिसके कारण कई परेशानियां उनको झेलनी पड़ती है। ऐसे में आपको हर एक कदम पर बदलाव का ध्यान रखना है। गर्भावस्था के अंतिम महीने में, चाहे 8 महीना हो या 9 महीना हो, आपको यूरिन करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। आज मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। गर्भावस्था में महिला को यूरिन के कलर का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर महिला को कभी भी यूरिन का कलर लाल लगे तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, दिखाना चाहिए, बात करना चाहिए। ये इन्फेक्शन हो सकता है, और इन्फेक्शन अगर लास्ट में हुआ तो शिशु के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। दोस्तों, आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। अंतिम महीने में जब कभी यूरिन ज्यादा गाढ़ा या हल्के लाल रंग का हो, या यूरिन पास करते समय कोई परेशानी महसूस हो या एबनॉर्मल सा लगे, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हो सकता है डिलीवरी होने वाली है, शिशु के बाहर आने का संकेत है। यूरिन अगर गाढ़ा हो तो समझ लें आपकी डिलीवरी होने वाली है, यूरिन नहीं है। ये हो सकता है एमनियोटिक फ्लूड हो, जिसमें 9 महीने तक शिशु गर्भ में रहता है। इसी फ्लूड की मदद से शिशु गर्भ में मूवमेंट कर पाता है और इसी में शिशु रहता है और विकास होता है। हो सकता है आपके प्राइवेट पार्ट से एमनियोटिक फ्लूड निकल रहा हो और ये डिलीवरी का संकेत है। डिलीवरी जल्द होने वाली है, इसको वाटर ब्रेक भी कहते हैं। शरीर से जब फ्लूड निकलता है तो गर्भवती महिला को यूरिन जैसा ही प्रेशर महसूस होता है। ये संकेत आपको पहचानना बहुत जरूरी है, लापरवाही नहीं करना है, शिशु के लिए, गर्भ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।